भाई ये बॉडी बनाने से ज्यादा आसान तो नूडल्स बनाना है, पानी डालो बन जाता है। अगर ऐसी बॉडी बनानी हो तो चिकन खाना पड़ेगा, मटन खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा और इतनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी भाई। जो लड़का सिस्टर के साथ घूम रहा था ना, मैंने बताया था ना, वही है वो। क्या रे? एक्सक्यूज मी, आप अपने पैर हटाएंगे, मुझे खेलना है। मुझे तेरे साथ खेलने का है। ये बहुत गलत बात है। मेरी बहन से प्यार बहुत महंगा पड़ेगा तुझको। हा? मेरा स्टेटस, मेरा बैकग्राउंड तुझे पता नहीं है। आई थिंक आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। जब मैं आपको ही नहीं जानता तो आपकी बहन को कैसे जानूंगा? भाई मैंने खुद इसे और सिस्टर को खाते हुए देखा था रेस्टोरेंट में। ये झूठ बोल रहा है आपसे। मेरे साथ ड्रामा कर रहा है? ओहो, मुझे जो रेस्टोरेंट में मिली थी वो तुम्हारी बहन है। वो तो बस स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था रोड पे, और सेकंड टाइम मैंने उसकी छोटी सी हेल्प की थी, और फिर हम कैजुअली रेस्टोरेंट में गए थे। अरे भाई, आपकी बहन और मेरे बीच में लव शव जैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहन को भूल जा, यही तेरे लिए अच्छा है। नहीं तो मैं आज ही तुझे जान से मार दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आखिर तू समझता क्या है अपने आप? सांड को समझ नहीं आ रहा इसकी तो। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन बे, सोते हुए शेर को पत्थर मारना जितना खतरनाक होता है, मेरा ईगो हर्ट करना उतना ही खतरनाक होता है। तूने मेरा ईगो हर्ट कर दिया है। तू बस कान खोल के सुन ले, अब तो मैं तेरी ही बहन से प्यार करूंगा। जो उखाड़ सकता है उखाड़ लेना, ओके? कहाँ भाग रहे हो तुम? पकड़ो, रुक साले, तेज दौड़ो, पकड़ो उसे। मार खाने से डर गया क्या? इसलिए भाग रहा है? अरे मैं भाग नहीं रहा था, तुम लोगों को मारने के लिए ही इतनी देर तक भगा रहा था। मारूंगा अब। ले, खून साफ कर ले। बाहर बहुत कम चोट लगी है, असली चोट तो तेरे अंदर लगी होगी। अब तू पेन किलर ले लेना, उसके बाद हॉस्पिटल जाके अच्छे से ट्रीटमेंट कराना। देखते रहना, तेरी बहन से ही प्यार करूंगा मैं। चल बे, उठ ले। ये चोट कैसे लगी? तेरी वजह से। मेरी वजह से? तू जिस लड़की से प्यार करती है उसी से पूछने गया था, उसी ने मारा मुझको। मैं किससे प्यार करूंगी? मैं किसी से प्यार नहीं करती। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना प्यार किए ही रेस्टोरेंट में घूम रही है उसके साथ। ओ, तो उसके बारे में कह रहे हो? उसने बस मेरी हेल्प की थी तो मैंने ट्रीट दी थी, और बस इतना ही है। इससे ज्यादा हमारे बीच में लव तो क्या, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। वाह 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 वा। क्या अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों की। वो भी वही बात बोल रहा था और तू भी वही बात बोल रही। मुझे पागल समझते हो क्या तुम दोनों? पागलों जैसी बातें मत करो। पागल मैं नहीं हूं, पागल तू है। अगर तू दोबारा उससे मिली ना या उसे कॉल किया तो जान से मार दूंगा। अब तक
तो मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। तुमने मना किया ना, अब मैं उसी से प्यार करूंगी। जो करना है कर लेना। क्या हुआ प्रिया, कॉफी पे मुझे बुलाकर खुद ही शांत बैठी हो? सॉरी प्रिंस, मेरे भैया ने हम दोनों को गलत समझा। ओह, तो इस वजह से चुप बैठी हो? मुझे लगा तुम्हारे भाई को मारा इसलिए। ऐसा नहीं है प्रिंस, मैं तो तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन भैया ना मुझे नहीं समझते। गलती तुम्हारे भाई की थी, इसलिए उसे गिल्टी फील होना चाहिए। प्रिंस तुमने बिल्कुल सही कहा, एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन मेरे भैया की वजह से हम दोनों दोबारा मिले हैं ना। कुछ देर के लिए तुम्हारे भाई का टॉपिक साइड में रख दें। तुम बहुत अच्छे लड़के हो प्रिंस, तुम सभी लोगों को खुश रखना चाहते हो। ये मेरा नंबर है, सेव इट। तो जिससे कॉल किया था वो नंबर? वो भैया का नंबर था, वो भी सेव रखना, फ्यूचर में काम आएगा। प्रिंस तुम बहुत ही हैंडसम हो। तुम भी बहुत सुंदर हो, तुम्हारी हेयर स्टाइल और सबसे ज्यादा तुम्हारी ये स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। क्या है ये? ध्यान रखना, सारा सेटअप बराबर होना चाहिए। अभी तुम वहाँ सबको ड्रॉप करके आना। ध्यान देना। मैं इवेंट में सब प्रवाली का डांसर मॉडल सब आ गए हैं ना? हाँ सर, ठीक है सर। उन लोग का रिहर्सल ऊपर वाले हॉल में करा देना। ओके सर। और बाकी तुम अच्छे से ध्यान रखना। ऑलराइट। हेलो आशीष, हाँ मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। हेलो प्रवलिका, रिस्पॉन्ड। प्रवलिका रिस्पॉन्ड करो। हेलो, इवेंट के टाइम पे ये लड़की कहाँ चली गई? यहाँ क्या कर रही है? प्रवलिका, प्रवलिका यहाँ क्या कर रही हो? वहां इवेंट शुरू होने वाला है। अरे क्या हो गया? इवेंट में कौन सी ड्रेस पहननी है वो ट्राई कर रही थी तो। अब बताता हूँ सर, ये फोटोज फोटो देखी क्या? बहुत अच्छी है ना। हाफ ड्रेस में इतना माइंड ब्लोइंग है तो बिना ड्रेस के फोटो जब दुनिया देखेगी तो हाय हाय कर उठेगी। अगर बचना चाहती हो तो शाम को मेरे गेस्ट हाउस में आ जा, वहां पे वॉचमैन भी नहीं है और कोई कैमरा भी नहीं, सिर्फ तुम और मैं रहेंगे। जूते से मारूंगी, ये बात अगर प्रिंस सर को पता चली तो वो तुझे चांद से मार देंगे। प्रिंस? ये प्रिंस कौन है? असल में ये इवेंट तो मैं ही करा रहा हूं। तेरी ये फोटो फेसबुक यूट्यूब पे अगर अपलोड हो जाए आधे घंटे में ही लाखों कमेंट और लाइक्स तुझे मिल जाएंगे, तो सोच कर बताना। ये बात अगर मेरे घर वालों को पता चल गई तो वो लोग आत्महत्या कर लेंगे सर, इसलिए उनसे पहले मैं ही जान दे दूंगी सर। अच्छा ठीक है, सुनो तुम आराम करो, मैं उसको जा करके देखता हूँ। Excuse me, sir. हाँ? मेरा नाम प्रिंस है, इस इवेंट का मैनेजर। ओ, तो प्रिंस तू ही है क्या? सर, आपने जो हमारे स्टाफ के साथ किया है वो सही नहीं है। अच्छा, किससे क्या बिहेव करना तू सिखाएगा? देख क्या रहा है बे,
मारेगा क्या? सर मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना, ये पूरा इवेंट डिस्टर्ब हो जाएगा सर। तो फिर फुट और जा अपना काम कर।